हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड द योर वेट। तो गाइस, आज मैं आपको एक ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में, या एक क्योर मान लो आप, या एक होम रेमेडीज मान लो कि आप अपने डॉग के साथ क्या कर सकते हो। गाइस, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी कि आज मैं किस डिसऑर्डर या क्या डिजीज है या क्या सिचुएशन है या क्या स्किन एलर्जी है, ये जो आपको फोटो में दिख रही है, उसका एक होम, घर पे ही रहते हम क्या इलाज करें, ठीक है, हम अपने डॉग को कैसे प्रिवेंट करें उस चीज से। बिकॉज गाइस, अब स्किन एलर्जी हो जाती है तो हमें खुद को टेंशन हो जाती है कि हमें स्किन एलर्जी हो गई है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम सडनली किसी शॉप पे जाएंगे, अपने लिए स्किन एलर्जी कोई ट्यूब वगैरह लेके आएंगे, अपने फेस पे हो एलर्जी या हैंड पे हो या कहीं हो। लेकिन गाइस, अगर डॉग के अंदर इस काइंड की एलर्जी हो जाए जो आपको स्क्रीन पे बाय फोटो शो हो रही है, ठीक है, इस काइंड की, जो बेली के ऊपर ये कुछ पिंपल से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पपीज के अंदर मोस्टली ये होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर भी समटाइम ये होता है, ठीक है, पपीज में ये काफी ज्यादा देखा गया है, ये सिचुएशन बनती ही बनती है। तो भाई, जब घर पे रहते हम उसे कैसे क्योर करें, ठीक है, हमें ना ही कोई वेटनेरियन के पास जाने की जरूरत और ना ही कोई किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ ज्यादा बड़ी सिचुएशन नहीं है। आप घर रहते ही इसका ट्रीटमेंट या इसको क्योर कर सकते हो। अब इसे क्योर करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप एक सिरप ले आए, सॉरी सिरप नहीं, स्प्रिट है ये, हैंड सैनिटाइजर करने की, ठीक है, जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, तो नॉर्मल ले आए, 40 या 50 की प्राइस तक की आप ले आए, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेडिसेंस के नाम से है, मेडिसेंस एच हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है, इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर है। वैसे तो आप कोई भी दूसरा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा है। देन आप क्या करें, आपके पास एक पोविडीन आयोडीन, यानी जिसे आप बीटाडीन बोल देते हैं, उसकी आपके पास या तो कोई ट्यूब हो, या अगर ट्यूब नहीं अवेलेबल है, अगर आप लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हो तो आप लिक्विड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ये आप ले आए, ठीक है, ये ट्यूब, और साथ में थोड़ी सी कॉटन ले लें। एंड क्या करें, ये सिप्ला कंपनी की एक सिट्रिजन सिरप आती है जो पिलाने के लिए यूज की जाते हैं, इसके बारे में आपको कुछ मोमेंट्स बाद बताऊंगा, ठीक है, ये सिट्रिजन सिरप है। और गाइस, अब क्या करें, हम थोड़ा सा पानी और ले लें, ठीक है, एक कटोरी के अंदर, या कोई छोटा मोटा बर्तन हो, गिलास हो आपके पास, उसके अंदर एक थोड़ा पानी ले लें, और एक 3 ml या आपके पास 5 ml की है या फिर ये सिरिंज ले लें, ठीक है। आपको ये लेके आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो में अब साफ सब कुछ दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। पहले आप क्या करें, आप स्पिरिट से कॉटन ले लें, ठीक है, कॉटन के ऊपर ऐसे स्मॉल कॉटन लेनी है, एंड इसके ऊपर आप लिटिल बिट ऐसे स्प्रे करें जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। स्प्रे करने के बाद आप अच्छे से जो जहां जहां पोर्शन है पिंपल्स का, या जो एक्ने प्रॉब्लम्स है उसका, जो रेडनेस जो बेली पे आई हुई है, वो जो एरिया है उसको क्लीन करें अच्छे से, ताकि वहां पे जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया वगैरह, अगर कोई चीज ऐसी बैठी है, कोई फॉरेन एलिमेंट ऐसा कोई बैठा है, धूल मिट्टी गंदगी सब कुछ साफ हो जाएगी इस स्पिरिट से। तो आपको कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले ये जरूर याद रखना है कि मेडिसिन लगाने से पहले मैं क्या करूं, पहले अच्छे से उसे क्लीन करूं। आप उसे क्लीन कर देना जिस जिस पार्ट में लग रहा है, जैसे आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा, जहां जहां है आप उसे क्लीन करें। देन फिर आप क्या करें, स्मॉल कॉटन लेके, ठीक है, जो आपको वीडियो में शो हो ही रहा होगा, या पहले भी हो सकता है शो, या थोड़ा लेट भी शो हो रहा होगा, कॉटन से आप स्मॉल कॉटन ही लें, ठीक है, स्मॉल कॉटन लेके, छोटा सा टुकड़ा लेके आप उस पे जो ये बीटाडीन है थोड़ी सी लगा लें, थोड़ी सी लगा के आप जहां जो जो पार्ट है, जो जो पिंपल्स का पार्ट है जो आपको वीडियो में दिख रहा है काफी अच्छे से, और साथ में फोटोज भी शो हो रही होंगी, ठीक है, आप उसे अच्छे से ट्रीट करें ऐसे। देन गाइस, आप क्या करें, जब आपका पपी सो रहा हो, क्योंकि अगर पपी जाग रहा होगा तो वो करने नहीं देगा हमें अच्छे से ट्रीटमेंट, और हमें इस सिचुएशन के अंदर कोई इंजेक्शन या कोई एनेस्थीसिया वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कुछ ज्यादा नॉर्मली सिचुएशन है, कोई बड़ी सिचुएशन नहीं है, हम इसका ट्रीटमेंट या किसी और हम अपने घर पे रहते ही कर सकते हैं। तो गाइस, इसको करने से क्या होगा, जो वहां पे पहले आपने क्लीन कर चुके हैं उस एरिया को, देन आप क्या करें, अपना बीटाडीन अप्लाई करें। बीटाडीन क्या करेगी, जो वहां पे पस जनरेट हुई है उन पिंपल्स के अंदर, और जो वहां पे रेडनेस है उस चीज को दूर कर देगी वो, ठीक है। और आपको इसका रिजल्ट, आप 2 या 3 बार इसे रूटीनली करोगे, यानी डे टू डे करोगे, दिन में दो बार करना है, सुबह और रात को जब वो दूध पी के जब वो सो रहा हो,
ठीक है, देन आप उसे करके छोड़ दें और सुबह आप देखेंगे आपको रिजल्ट आपके सामने ही मिलेगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको, ये काफी ज्यादा एक होम रेमेडीज ही मान लो इसे आप, हमें किसी वेटनेरियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पे रहते इसका इलाज कर सकते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यानी जो आपका सरसों का तेल आता है उसका यूज भी करते हैं। हाँ वो एक टाइम पे वो भी अच्छा है, लेकिन हम अगर बात करते हैं कि अगर कोई इंजरी ना हो, क्योंकि आपके डॉग की बेली के ऊपर अगर पिंपल्स हो चुके हैं, उन पिंपल्स को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, उसको इरिटेटिंग होगी, ठीक है, इचिंग होगी, वो इरिटेट करेगा उसे, देन वो क्या करेगा अपने नेल से उसे खुजाएगा, यानी खाज करने से या खुजाने से क्या होगा, वहां की जो स्किन है वो कट फट जाएगी। अब कट फट जाने की वजह से क्या हो सकता है, घाव हो सकता है वहां पे। अब घाव हो गया है, बुंड हो गया है, देन ये भी तो एक प्रॉब्लम हो गया ना। अब सडनली मान लो कि अगर आपका आपकी जो पपी का एक पिंपल हो गया, ठीक है, वो पिंपल जो बेली के ऊपर है वो काफी ज्यादा पक गया, यानी उसके अंदर पस आ गई, वो निकल गया, आपके पपी ने क्या किया, उसको स्क्रैच कर लिया और सारी की सारी पस निकाल दी, देन वहां पे घाव हो गया, देन उस घाव का ट्रीटमेंट करो ना, अब घाव को क्योर करो। मस्टर्ड ऑयल से नहीं होगा, आप बीटाडीन लगाओ, ठीक है, मेरी माना तो आप बीटाडीन सबसे बेस्ट है और मैं भी यही अप्लाई करता हूँ, किसी भी अगर डॉग आ जाए, ठीक है, कोई केस आता है तो हम यही अप्लाई कर देते हैं, काफी ज्यादा बेस्ट है। अब गाइस क्या होता है, जब सारा हम प्रोसीजर कर लें, सब पिंपल्स के ऊपर बीटाडीन लगा दें और हमारी जो स्प्रिट वगैरह से साफ करके उसे अच्छे से कॉटन हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखनी है हमें, ठीक है, हाइजीनिक यानी बिल्कुल साफ सुथरा, देन आप कॉटन को जो भी आपने यूज किया साइड में रख दें, उसके पास में नहीं होनी चाहिए, देन आप उसे डस्टबिन में डाल दें। तब आप गाइस क्या करें, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, मैंने ये सेटसिप के नाम से सिट्रिजन सिरप आती है, ठीक है, सिट्रिजन इसके अंदर साल्ट होता है, सिट्रिजन सिरप IP, ये इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, शायद मेरे हिसाब से आपके आसपास ही 10-15 या 20 तक मैक्सिमम मिल जाएगी, कोई ज्यादा नहीं है आपके पास, मैंने आपको बताया था एक सिरिंज होनी चाहिए। देन आप गाइस क्या करें, आप 1 ml इसे ओपन करें, ठीक है, और 1 ml इसमें भर लें, देखो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस 1 ml मैंने इसमें भर चुका हूं। देन आप गाइस क्या करें, वॉटर इसमें, वॉटर के साथ अच्छे से उसे मिला दिया हमने, ठीक है, मिलाने के बाद आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैंने क्या किया है, ओपन करके माउथ अच्छे से उसे नीचे से जांच पकड़ के बिल्कुल स्लोली स्लोली आप उसे पिलाएं। अब सो रहा है वो अंदर भी अच्छे से ले जाएगा, देन आप जो भी आपने चीजें जो यूज किया आप साइड में कर दें और जो आपका पपी सो रहा है उसको रिलैक्स सिचुएशन में छोड़नी है। कि इतनी महंगा खर्चा आएगा या इतनी महंगी लगेगी मुझे ये चीज वो चीज, नहीं गाइस, आपका ये नॉर्मली जितना मैं आपको बता रहा हूँ जो मेटेरियल मेरे पास है, नॉर्मली आप 50 या 60 रुपीज मान के चलो, बस 50 या 60 रुपीज के अंदर आप अपने डॉग की ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो और ठीक है। और आप अगर कोई दूसरा भी डॉग है जो आपके कोई आस पड़ोस में है, आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो एक जीव ही है ना, वो भी तो एक डॉग है, बट वही है वो स्ट्रीट डॉग है तो इसलिए आप ज्यादा नहीं केयर करते, लेकिन गाइस हमें करना चाहिए क्योंकि वो भी एक डॉग है, वो भी उनमें भी एक जान होती है, ठीक है, उनकी भी एक फीलिंग्स होती है। लेकिन गाइस अपने डॉग की बात करते हैं हम, अगर आपके पास पपी है और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, देन आप इस कंडीशन सॉरी जो मैंने ये जो आपको फॉर्मूला बताया है, जो एक ट्रीटमेंट टाइप जो मैंने बताया है, आप उस चीज को जरूर फॉलो करें, आप इसको फॉलो करें। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैंने 2 दिन कर लिया फॉलो, 3 दिन कर लिया फॉलो, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मतलब उसका ठीक नहीं हो रहा, गाइस होगा ठीक, ठीक है, आप उसे रेगुलरिटी मेंटेन करें, हाइजीनिक रखें, उसे साफ सुथरा रखें, और जब आपका डॉग उसे स्क्रैच कर रहा हो, देन आप उससे भी उसे प्रिवेंट करके रखें, बिकॉज स्क्रैच से क्या होता है गाइस, काफी ज्यादा वो फैल जाता है, बिकॉज उसके अंदर जो वॉटर निकलता है, जो आप पश बोल देते हो, जो मवाद बोल देते हो आप, वो जो निकलती है वो दूसरे एरियाज पे जाके लग जाती है और देन उस एरिया को इफेक्ट करती है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में चल के जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। गाइस ये चैनल आपके पेट्स की, आपके डॉग की, आपके कैट की केयर के लिए बनाया गया है और काफी ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूँ आपकी नॉलेज में वो चीजें जा रही होंगी और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होंगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, एंड बाय, थैंक यू सो मच।